उपमुख्यमंत्री तथा नागपुर के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार, रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमाने, जिला परिषद अध्यक्षा ममता कोकरडे, उपाध्यक्षा कुंदाताई राउत, जिलाधिकारी विपिन इटनकर, जिला परिषद नागपुर के सीईओ सौम्य शर्मा, नागपुर जिला ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद आदि की प्रमुख उपस्थिति में सावनेर तहसील कार्यालय के प्रांगण में सावनेर विधानसभा क्षेत्र तथा उपविभाग के सावनेर तथा कलमेश्वर तहसील में जारी विकास कार्यक्रमों का आढ़ावा लिया। सावनेर उपविभाग के उपविभागीय अधिकारी अतुल महत्रे ने सावनेर तथा कलमेश्वर तहसील अंतर्गत जारी शासकीय वसूली जलयुक्त शिवार अभियान, अमृत सरोवर ई ऑफिस प्रणाली, रेती तथा अन्य गौन खनिज, पंतप्रधान किसान योजना बीएसएनएल, मुख्यमंत्री सौर कृषि ऊर्जा, पांधन रस्ते, संजय गांधी निराधार योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006, गांव वहां स्मशान भूमि, भूमि संपादन, टैंकर तथा कुएं अधिग्रहण, पेयजल किल्लत, ई पंचनामा व वेब पोर्टल, कोतवाल व पुलिस पाटिल भर्ती, अन्न पुरवठा विभाग तथा नागपुर जबलपुर गेल गैस पाइपलाइन आदि विषयों पर जारी तथा संपन्न कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर बोलते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावनेर उप विभाग के कार्यों की प्रशंसा की तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना, घरकुल योजना, जलयुक्त शिवार, कृषि सौर ऊर्जा, किसान बीमा योजना आदि के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ दिलाने की बात कही। साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री होने के नाते समग्र नागपुर जिले के ग्रामीण अंचलों के विकास हेतु कटिबद्धता दर्शाए। इस अवसर पर सावनेर कलमेश्वर तहसील अंतर्गत सभी विभाग, नगर पालिका, पंचायत समिति आदि के अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजन का संचालन तथा प्रास्ताविक जानकारी उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्रे ने तो आभार सावनेर तहसील के तहसीलदार प्रतीप वाघमारे ने माना। आयोजन के सफलतार्थ नायब तहसीलदार विजय कोड़े, संदीप डाबेराव, संजय अनवाने, मंडल अधिकारी राजेश इखोन, शरद नांदुरकर, गणेश मोरे, अनिल भोसले आदि ने परिश्रम किया। शासकीय योजना खालपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, त्याला गती आली पाहिजे, या दृष्टीनं हा आढावा चाललेला आहे। या दोन दिवसांमध्ये चार महत्त्वाचे त्या ठिकाणी होते, पुन्हा एक दिवस मी देणार आहे, त्या दोन मुद्द्यांवर कव्हर करणार आहे। सगळे तालुके, सगळ्या नगरपालिका मी कव्हर करणार आहे, जेणेकरून इथल्या समस्या ज्या काही आहेत त्या आपल्याला संबोधता येतील आणि सरकारच्या योजना इफेक्टिव्हली सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवतील। प्रशासन शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम करतात, त्यासोबत आमचा पक्ष तर बळकट करणार आहे। आमचं काम असं आहे आनंदाची गोष्ट आता या ठिकाणी आपण बघितलं की रथ निघालेला आहे, जलसंधारणामध्ये लोकांचा रस वाढतोय आणि आपण बघितलं असेल तिथेच केंद्र सरकारने जो अहवाल जाहीर केला त्याच्यात हे स्पष्ट झालं की जलयुक्त शिवारमुळे 18-19 या सालामध्ये महाराष्ट्र हा देशात पहिल्या क्रमांकावर आला आणि सगळ्यात जास्त वॉटर स्टेबल आपला वाढला। म्हणूनच आमचा प्रयत्न आहे की हे सब क्रिटिकल प्लांट जे जुने प्लांट आहेत ते फेज आउट झाले पाहिजे आणि सुपर क्रिटिकल प्लांट जे प्रदूषण करत नाहीत त्यांनी त्यांच्या जागी आलं पाहिजे, अशा प्रकारचा आमचा। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडले की रिपोर्ट।